मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया के खिलाफ अभियान का आगाज किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ड्रग के जाल में फंसे बच्चों के प्रति सहानुभूति रखकर उन्हें इससे बाहर निकालें और ड्रग माफिया को खत्म करने सतत अभियान चलाएं। ड्रग हैंडलर पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रग माफियाओं को लेकर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, ड्रग नेटवर्क का राज्य से बाहर का संबंध निकले तो जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों का सहयोग लेकर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में इंदौर तक ही नहीं, उसके साथ साथ रतलाम और आसपास के जिले जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की जरूरत महसूस की थी। देश के 272 जिले ऐसे हैं, उनमें हमारे भी 15 जिले हैं। जब भी हम नशे के विरुद्ध अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यापक अभियान की जरूरत है। और ये ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। उसके ऐसे लोग जो ड्रग्स के काले कारोबार में लगे हैं, वो मानवता के दुश्मन हैं और उनको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये कहां से आता है, कौन लाता है, क्या केवल मध्य प्रदेश में इसकी जड़ें हैं या फिर अंतर्राज्यीय और इंटरनेशनल मामला है, तो बाकी राज्यों से भी हम टाई अप करें, अगर जहां आवश्यक है भारत सरकार से टाई अप करें, और टाई अप करके इनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा, कई जगह ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य आए हैं कि जिम में भी ऐसी कोशिश होती है और एक बार आदत लग जाए तो बच्चा उसके बिना नहीं रह सकते। बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बेटों और बेटियों की अपराध की दुनिया में धंसने की संभावनाएं बढ़ती हैं। मुझे लगता है हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ड्रग माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए एक समन्वित और विशेष अभियान की आवश्यकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।